क्रोशिए की बुनाई करते समय किन किन छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं में से आज की भी ये ट्यूटोरियल है। अधिकतर कलर को जब चेंज करते हैं क्रोशिए में तो इस ढंग से वो दिखती हैं, इस ढंग से वो दिखेगी। लेकिन अगर आप इस ढंग से चेंज करें तो देखिए दोनों में कितना ही अंतर है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर देखिए दोनों की अगर आप तुलना करें तो इस ढंग से ही अगर आप कलर को चेंज करें तो प्रोजेक्ट आपकी बहुत ही सुंदर बनेगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। सबसे पहले तो अधिकतर कलर को चेंज करने के बाद हम लोग जो बुनाई करते हैं इस पर ही मैं खोलकर आपको बताऊंगी। जैसे देखिए अगर यहाँ से कलर को चेंज करना है एक फंदा लेके फिर यहाँ से इस ढंग से डालकर इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दूसरे वाले में लेते हैं, बस इसी ढंग से चेंज करते हैं कलर को। इस ढंग से चेंज करते हैं तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये ग्रीन वाली भी ये दिखती है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती है इसमें। ये इस ढंग से दिखेगी। और अगर मैं इस ढंग से बनाना बताऊं तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब इसे भी इसके ऊपर ही मैं खोल कर आपको बताऊंगी। जैसे ऊपर वाला रो अभी खोल चुकी हूं तो देखिए पहली रो जो ये मैं बुनूंगी इस कलर से वो इस ढंग से दिखेगी, फिर इस ओर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसे खोल कर आपको बताऊंगी कि इस वाले रो को कैसे बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ्रेश ये यार्न वाला यार्न लगाकर आपको दिखाती हूँ। जैसे इस रो की ये लास्ट वाली ये डबल क्रोशिया है, यहीं पर से देखिए फंदा को कैसे चेंज करते हैं। ये लास्ट वाले चेन में लेंगे और जब दो फंदे बच जाएं आपके तभी इस वाले कलर को लगाएंगे। इस वाले कलर को तभी लगाते हैं। और इसे गिरा लेंगे तो यहाँ पर इस ओर ही इस फंदे को चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर दो चेन लेंगे इस कलर से, सॉरी एक चेन लेंगे पहले और इसे पलट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि उस वाले रो को मैं कैसे बनाई हूँ। जैसे इन दोनों फंदों को इस ढंग से पकड़ लेते हैं, ये तो इस चेन में हो गई, सेकंड वाले में क्रोशिया डालेंगे और ऊपर की ओर से इस फंदे में ऊपर की ओर से हरे वाले में लेकर इसे निकाल लेते हैं। और ये टोमेटो कलर वाली यार्न को भी ऊपर से लेके और फिर दोनों फंदों को गिरा लेंगे, ये गिरा लेते हैं। फिर से इसके बगल वाले बॉक्स में डालेंगे, ग्रीन वाले को ऊपर से लेंगे और फिर रेड वाले ये टोमेटो कलर वाले यार्न को ऊपर से लेंगे और दोनों को गिरा लेंगे। तो देखिए ये चेन की तरह बन जाएगी। बहुत ही जल्दी बनती है लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए हमेशा कलर को चेंज करते वक्त पहली पंक्ति इसी ढंग से बना लें और फिर दूसरे कलर से उसे ऊपर की
नीटिंग करें। ये देखिए इस ढंग से ये चेन दिखेगी आपको। ये लास्ट वाले में एक पूरी रो इसलिए बनाई हूँ कि नेक्स्ट तरफ रो में भी आप देखें कि डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, जैसे उल्टे तरफ से ये इस ढंग से दिखेगी। नेक्स्ट रो डबल क्रोशिया है इसलिए इस ओर से ही दो चेन लेंगे और इसे पलट लेते हैं। और अब इसके ऊपर में ये जो चेन वाली पार्ट है, ये फर्स्ट वाली तो इसमें ही निकल जाएगी, सेकेंड वाले में इसमें क्रोशिया डालेंगे। ये जो चेन की तरह है इसके ऊपर वाले भाग में क्रोशिया को डालेंगे। ये फिर से नेक्स्ट वाले चेन में इसमें डालेंगे। ये टाइट होने के कारण थोड़ी सी ये टाइट होती है, इसलिए आगे से इसे इस ढंग से क्रोशिए से थोड़ा सा खींच ले आगे से। ये जो चेन है इसे थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर से इसे आगे से खींच ले तो ये जल्दी बनेगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरी रो इसी ढंग से बनाएंगे। ये कितनी स्ट्रेट जा रही है, अब दोनों में आपने अंतर देख लिया। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।